हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज क्लास 10 का फोर्थ चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसका सेकेंड लेक्चर। इस लेक्चर में हम देखेंगे बॉन्डिंग, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन। तो पिछले वीडियो में हम डिस्कस किए हुए थे जो कार्बन का एटॉमिक नंबर, कार्बन का 6 होता है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6। कन्फिगेशन अगर लिखें इसका, कार्बन का, तो 2 4, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन 2 4। पिछले वीडियो में बताए थे जो कार्बन जो है प्लस नहीं बनाता है, कार्बन C4 प्लस नहीं बनाता है। तो C4 प्लस इसलिए नहीं बनाता है, कार्बन का जो साइज है बहुत स्मॉल है। C4 न्यूक्लियस से इसका जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली बाउंड है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देने की आवश्यकता पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा हमको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना है, 4 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगा, इसलिए जो कार्बन जो है नहीं बनाता है। दूसरा, जो कार्बन जो है C4 माइनस क्यों नहीं बनाता है, कार्बन में 6 प्रोटॉन था और 6 इलेक्ट्रॉन था। प्रोटॉन इसमें कितना था, 6, और इलेक्ट्रॉन कितना था, 6 था। तो 6 इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड कर सकता है, अच्छा से टाइटली होल्ड कर सकता है 6 प्रोटॉन। लेकिन जब हम एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10। जब हम 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, C4 माइनस बनेगा, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और प्रोटॉन इसमें 6 रहेगा, 6 प्रोटॉन जो है 10 इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड नहीं कर सकता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं जो अगर एक क्लास में 20 स्टूडेंट है और 2 टीचर है और 20 स्टूडेंट है और 2 टीचर है, तो 2 टीचर 20 स्टूडेंट को आसानी से कंट्रोल कर सकता है। अगर इसमें हम 20 स्टूडेंट और ऐड कर दें, संख्या 2 ही है, तो इसको कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होगा। ऐसा भी देख सकते हैं जो अगर 2 टीचर है और 20 स्टूडेंट है, तो जो टीचर जो है स्टूडेंट को फोकस करेगा तो इसमें बेटर ढंग से फोकस कर पाएगा। और इस केस में जो स्टूडेंट को अच्छा तरह से फोकस नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रॉन। उसी तरह नंबर ऑफ, अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो 10 इलेक्ट्रॉन होने पे जो प्रोटॉन है वो टाइटली होल्ड नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रॉन को, तो इसलिए C4 माइनस नहीं बनता है। तो बॉन्डिंग इन कार्बन, तो कार्बन में बॉन्डिंग देख रहे हैं। तो बॉन्डिंग समझते हैं क्या है, बॉन्डिंग तीन तरह का होता है। पहला आयनिक बॉन्ड, दूसरा कोवलेंट बॉन्ड और तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड अभी आप लोग को नहीं पढ़ना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड 11 क्लास में पढ़ना है। तो आयनिक बॉन्ड आयनिक कंपाउंड में होता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में होता है। इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, तो हल्का सा देख लेते हैं आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड को हल्का सा डिस्कस कर देते हैं। तो आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड,
NaCl, एग्जाम्पल लेते हैं आयनिक कंपाउंड NaCl, NaCl है तो NaCl जो कंपाउंड है सोडियम, सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन लिखें तो 281, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन 281, और क्लोरीन का लिखें तो 287। तो सोडियम के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन है और इसका वैलेंसी वन है, तो सोडियम नोबल गैस के जैसा, नियरेस्ट नोबल गैस के जैसा बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देता है, और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सोडियम है सो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, लूज करना पसंद करता है। और क्लोरीन का जो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट का मतलब लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लेता है। सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देता है, और क्लोरीन जो है ये इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है और ये Cl- बन जाता है। सोडियम प्लस और Cl- के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ये दो अपोजिट चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा और इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा, इसी को बोलते हैं, इसके बीच में जो बॉन्ड होगा NaCl के बॉन्ड, NaCl के बीच में जो बॉन्ड होगा इसी को आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, यही आयनिक बॉन्ड है। फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कार्बन में कोवलेंट बॉन्ड होता है, कार्बन में कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड का मतलब द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड है एक कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से बॉन्ड होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसमें। और जो कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है और बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। जैसे ये हाइड्रोजन है, इसका वैलेंसी वन, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन वन होता है, एक और यहाँ पे हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये बॉन्ड बनाया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, दोनों का 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गया और ये जो बॉन्ड बना, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना। इसको समझते हैं, ऐसे समझते हैं, ए और ए बी दो स्टूडेंट है, ए और बी, ए जो है इसके पास है, ये पार्टी में जा रहा है और इसके पास अच्छा शर्ट नहीं है, तो ये क्या किया, बी से ये बोला जे हमको शर्ट दे दो, हमको पार्टी में जा रहे हैं, पार्टी में शर्ट पहन के चल गया, भी कोई पार्टी अटेंड करना था और इसके पास अच्छा शू नहीं था, अच्छा शू नहीं था, तो ये क्या किया, बोला जे मेरे पास अच्छा शू नहीं है, शू दे दो, और ये अपना ये भी पार्टी अटेंड कर लिया, तो दोनों अपना अपना काम कर लिया और इसी को बोलते हैं शेयरिंग, शेयरिंग। उसी तरह इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, उसी तरह जब इसको इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना था, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो ये इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। दो स्टूडेंट है ए और बी, एक के पास केमिस्ट्री का बुक है और दूसरे के पास मैथ का बुक है, मैथ, दोनों दो स्कूल में पढ़ता है और इसका जब स्कूल में टेस्ट हुआ तो ये इससे बोला जी हमको मैथ किताब दे दो, मैं हमको टेस्ट देना है, और अपना काम कर लिया। इसके पास केमिस्ट्री बुक नहीं है तो ये जब इसका टेस्ट हुआ तो बोला जे हमको केमिस्ट्री बुक दे दो, हमको टेस्ट देना है, दोनों एग्ज़ाम दे लिया, दोनों का एग्ज़ाम
अच्छा गया और ये शेयर करके एग्जाम दिया शेयरिंग करके, तो उसी प्रकार इसमें भी हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कितना टाइप्स का कोवलेंट बॉन्ड होता है? तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, दूसरा डबल डबल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बॉन्ड। अगर वो एकक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है या एक पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, वन पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो इस टाइप का बॉन्ड को बोलते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अगर दो पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है तो ये हो गया बॉन्ड, और अगर तीन पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तीन पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो ये हो गया ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, इसका एग्जाम्पल लेते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को समझने के लिए। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको समझते हैं, क्लोरीन है, क्लोरीन का वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 7, दूसरा क्लोरीन ले, इसका भी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 7, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, यह शेयर कर लिया, और इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसका भी 288 और इसका भी 288, दोनों को नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो गया। और यहाँ पे जो बॉन्ड बना, इसको हम बॉन्ड बना सकते, ये जो दोनों के बीच में जो बॉन्ड है इसी को सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है इसी को सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। एच है, एच में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक, और जो सी एल का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन बना दिए इसका, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया। जब इसको डुप्लेट कंप्लीट करना था, तो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना था, और ये जो बॉन्ड है ये भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, डबल कोवलेंट बॉन्ड। इट इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन या फोर इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो बॉन्ड बनता है उसी को डबल बॉन्ड बोलते हैं। तो देखते हैं, ऑक्सीजन का वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे एक और ऑक्सीजन है, इसके वैलेंस सेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका वाला ले लिया ये, और इसका हो जाएगा 288, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया, और इसको ऑक्टेट करना है, तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन इसका वाला ले लिया, और ये भी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया। तो ये जो बॉन्ड बना, ये 2 बॉन्ड बना, इसी को डबल बॉन्ड बोलते हैं, डबल बॉन्ड या डबल कोवलेंट बॉन्ड। और एक एग्जांपल देख लेते हैं CO2 का। तो
तो कार्बन का वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन फोर, फोर इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन का वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन सिक्स, ऑक्सीजन का वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन सिक्स, ऑक्सीजन का वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन सिक्स। तो ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये फोर इलेक्ट्रॉन एच फोर इलेक्ट एट इलेक्ट्रॉन कार्बन का हो गया, तो इसका कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया टू और एट, टू और एट। और इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो टू एट एट, इसका भी कंप्लीट हो गया। इसको ऐसे अगर हम दिखाएं तो, अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है ऑक्सीजन का, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो इसका भी 288। तो ये भी क्या है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, दो दो डबल बॉन्ड बन रहा है, दो दो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स। इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, थ्री पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यस सिक्स इलेक्ट्रॉन्स। सिक्स इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो बॉन्ड बनता है उसी को ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो देखते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं एन टू का। एन टू जो है इसमें देखते हैं, एन एन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइव, नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है फाइव, इसको इसको थ्री इलेक्ट्रॉन, थ्री इलेक्ट्रॉन शेयर करना होगा, इसको थ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इस नाइट्रोजन से ये थ्री इलेक्ट्रॉन ले लिया और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया टू एट। इस नाइट्रोजन को भी चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए थ्री इलेक्ट्रॉन, तो ये भी थ्री इलेक्ट्रॉन ले लिया और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे तीन तीन कोवलेंट बॉन्ड बना, यहाँ पे तीन तीन कोवलेंट बॉन्ड बना, तीन तीन कोवलेंट बॉन्ड, इसी को ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। अब देखते हैं वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो पहला क्या है, पहला टेट्रावेलेंसी। कार्बन का वर्सटाइल नेचर क्या है, पहला टेट्रावेलेंसी। कार्बन जो है टेट्रावेलेंट बॉन्ड बनाता है, कार्बन फॉर्म फोर बॉन्ड, फोर कोवलेंट बॉन्ड। ये फोर बॉन्ड बनाता है तो इसका वैलेंसी फोर हो गया, ये टेट्रावेलेंट हो गया, टेट्रावेलेंट। और ये सी, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा नहीं है, ना ही बहुत कम है। तो ये एक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन सबके साथ कंपाउंड बना लेता है कार्बन। दूसरा प्रॉपर्टी है कैटेनेशन। कैटेनेशन द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, द प्रॉपर्टी
ऑफ एलिमेंट ड्यू टू विच एटम एटम्स कैन ज्वाइन एंड कंबाइन विथ अनदर अनदर एटम बाय बाय कोवेलेंट बॉन्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म लॉन्ग कार्बन चेन्स. तो प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट ड्यू टू विच इट्स एटम कैन ज्वाइन कंबाइंड विथ अनदर एटम बाय कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म लॉन्ग कार्बन चेन. इस कैटेनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा कार्बन में होता है. तो कार्बन जो है सेल्फ एटम से कंबाइन करके लंबा चेन बनाता है. ये रिंग भी बना सकता है, ब्रांचिंग भी हो सकता है. तो सेल्फ एटम से कंबाइन करने का जो एबिलिटी है उसी को कैटेनेशन बोलते हैं. सेल्फ एटम से कंबाइन करने का जो एबिलिटी है उसी को कैटेनेशन बोलते हैं. सेल्फ एटम से कंबाइन करने की कैपेसिटी को कैटेनेशन बोलते हैं. उनके जैसा कोई और एलिमेंट कैटेनेशन इतना एग्जिबिट नहीं करता है. जितना कार्बन कैटेनेशन प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करता है उतना कोई और एलिमेंट नहीं करता है. नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट द कैटेनेशन प्रॉपर्टी of self combination to extent seen in the carbon compound. To extent seen in carbon compound. जितना कैटेनेशन प्रॉपर्टी कार्बन में होता है उतना किसी और में नहीं होता है. निकल में और सल्फर में भी कार्बन कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है. Occurrence of carbon. Occurrence of carbon. कार्बन किसके किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. कार्बन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो पहला कार्बन जो है सो फ्री फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है. फ्री स्टेट और कंबाइन स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है. कंबाइन स्टेट में तो फ्री स्टेट में डायमंड ग्राफाइट बकमिंस्टर फुलरीन फिलरीन ये जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है वो बहुत कम एग्जिस्ट करता है फ्री स्टेट में. तो कंबाइन स्टेट में पहला कार्बन डाइऑक्साइड एयर में 0.03% है. कार्बन डाइऑक्साइड एयर में 0.03%. दूसरा कार्बोनेट के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है. कार्बोनेट के फॉर्म में लाइमस्टोन मार्बल चॉक. थर्ड जो है फॉसिल फ्यूल के रूप में एग्जिस्ट करता है. फॉसिल फ्यूल कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. फोर्थ जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोटीन. फोर्थ वुड कॉटन एंड वूल.